आज हम लोग डिस्कस करेंगे गूगल एड्स में ऑडियंस कैसे क्रिएट करना है। देखो, हमने गूगल एड्स में कैंपेन चलाना सीखा है। हम और भी कैंपेन में अलग अलग तरह का कैंपेन चलाना सिखाऊंगा तुम लोगों को। जैसे हमने लास्ट टाइम कौन सा कैंपेन चलाया चलाया था, वो सर्च कैंपेन, याद है ना? वेबसाइट ट्रैफिक बढ़ाने के लिए हमने सर्च कैंपेन चलाया था। तो इस तरह का और भी दो तीन कैंपेन में एग्जांपल करके दिखाऊंगा, लेकिन आज का टॉपिक जो है, और मैंने उस साथ साथ तुम लोग को कीबोर्ड मैच टाइप का भी एक क्लास कराया, जहाँ पे अलग अलग टाइप का कीबोर्ड टाइप मैंने समझाया था। तो आज का जो टॉपिक हो गया वो हो गया ऑडियंस। अभी ऑडियंस क्यों बनाएंगे हम लोग, ऑडियंस का यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है? ठीक है, देखो, जैसे मैंने लास्ट टाइम ऑलरेडी तुम लोग को समझाया था, ऑडियंस के बारे में कुछ बातें बोला था कि ऑडियंस जब हम लोग कैंपेन चलाते हैं तो हमारे लिए ऑडियंस कौन सा लोकेशन का होगा, कौन सा एज ग्रुप का होगा, उसका इंटरेस्ट क्या होगा, ये अलग अलग चीज़ें हमने लास्ट टाइम सेट करना सीखा था, याद है ना? जब कैंपेन चलाया था हमने सर्च कैंपेन, उसमें ऑडियंस सिलेक्ट करने का ऑप्शन आया था। लेकिन इस बार हम लोग ऑडियंस इस तरह से नहीं, कुछ इस तरह का ऑडियंस हम लोग चूज करेंगे जिस ऑडियंस ने मेरे प्रोडक्ट या तो सर्विस के ऊपर पहले से भी इंटरेस्ट दिखाया है, पहले से ही ऑलरेडी इंटरेस्ट दिखाया है। लास्ट टाइम जो हमने ऑडियंस चूज किया था, वहां पे ऑडियंस कौन था? जैसे मैंने बोला कि अगर कोई सर्च करेगा गूगल में जाके तो उसको मेरा एड दिखेगा, ठीक है? हाँ, लेकिन अभी जो मैं ऑडियंस का बात कर रहा हूँ, ये सर्च कैंपेन के लिए नहीं, ये तुम्हारा हो गया डिस्प्ले कैंपेन, वीडियो कैंपेन, उसके लिए बात कर रहा हूँ। मतलब तुम लोगों ने नोटिस किया होगा, जब भी तुम लोग गूगल में कुछ भी सर्च करते हो, ठीक है, एनीथिंग यू सर्च ऑन गूगल, उसके बाद होता क्या, जब तुम कोई दूसरा वेबसाइट विजिट करते हो, तुम्हारा तुमने जो सर्च किया था उससे ही रिलेटेड तुमको क्या दिखाता रहता है, वो एड दिखाता रहता है कि नहीं? या तो तुमने किसी वेबसाइट को विजिट किया होगा, किसी का वेबसाइट विजिट किया होगा, और उसका वेबसाइट में तुमने जो भी चीज वहाँ पे सार मतलब विजिट करके जो भी उसमें सपोज किसी का वेबसाइट में तुमने कोई फोन तुमको खरीदना है, और तुमने फोन के बारे में उसका वेबसाइट में जाके डिटेल्स पता किया। अभी तुम चाहते हो कि उसी ऑडियंस को जिसने तुम्हारा वेबसाइट विजिट किया था और तुम्हारा वेबसाइट में आके कुछ प्रोडक्ट का इंक्वायरी किया था, उस यूजर को जिसने विजिट किया था, उस यूजर को तुम फिर से अपना एड दिखाना चाहते हो। अब जब भी वो यूजर किसी दूसरा वेबसाइट में जाए या तो कोई दूसरा प्लेटफॉर्म में जाए, वहां पे तुम्हारा एड उसको दिख जाए। मतलब ऑडियंसेस हु हैव ऑलरेडी शोन इंटरेस्ट इन योर प्रोडक्ट और सर्विस, उसको तुम्हारा एड दिखाना है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले इस तरह का हमने बात नहीं किया था। पहले तो हमने क्या किया, जो सर्च करेगा आके गूगल में आके उसको मेरा लिंक दिखेगा, ठीक है, वो तो सर्च कैंपेन था। तो इस बार ये जो कैंपेन यहाँ पर, आज हम लोग कैंपेन डिस्कस नहीं कर रहे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑडियंस कैंपेन। एक मिनट, एक कैंपेन एक टाइप मैंने ऑलरेडी समझा दिया सर्च कैंपेन, अगला क्लास में दिखाऊंगा मैं और भी। तो क्या बोल रहा था मैं कि हाँ, तो इस तरह का ऑडियंस कैसे बनाएंगे? ऑडियंस बनाने का मतलब मैं इस तरह का ऑडियंस बनाना चाहता हूँ जो जिसने मेरा वेबसाइट या तो मेरा प्रोडक्ट के ऊपर पहले से ही इंटरेस्ट दिखाया है, उसको ही मुझे अपना एड दिखाना है, ठीक है? तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अपना गूगल एड्स का अकाउंट, गूगल एड्स का लॉग इन करेंगे, उसमें अपना एड अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पे तुमको मिलेगा ऑडियंस बनाने के लिए टूल्स, और टूल्स में आके तुमको जाना है शेयर्ड लाइब्रेरी, और यहाँ पे तुमको मिलेगा ऑडियंस मैनेजर, ठीक है? टूल्स, शेयर्ड लाइब्रेरी, एंड देन यू विल फाइंड ऑडियंस मैनेजर। तो तुमको यहां पे क्लिक करना है ऑडियंस मैनेजर पे।
नाउ यहाँ पे पहले से कुछ ऑडियंस बना हुआ है। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट ए न्यू ऑडियंस सेगमेंट। हम लोग इसको क्या कहते हैं, ऑडियंस सेगमेंट कहते हैं। एक न्यू ऑडियंस सेगमेंट बनाएंगे और उसी ऑडियंस सेगमेंट को ही मुझे अपना एड दिखाना है, ठीक है। तो ऑडियंस सेगमेंट क्रिएट करने के लिए हमको यहाँ पे आना होगा, यहाँ पे आके हमको ये प्लस साइन में क्लिक करना है, ठीक है। और इसको एग्जैक्टली और एक चीज, इसको रीमार्केटिंग भी कहते हैं। अभी जो हम लोग कर रहे हैं ना एक ऑडियंस बनाने का काम, तो इस दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रीमार्केटिंग। इसी ऑडियंस को हम लोग अपना एड दिखाएंगे, मतलब क्या हुआ, रीमार्केट करना, क्योंकि उसने पहले से ही मेरा वेबसाइट विजिट किया था, ऑलरेडी उसने मेरा प्रोडक्ट के ऊपर इंटरेस्ट दिखाया था, फिर से मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ, मतलब रीमार्केटिंग, दिस ऑल्सो कॉल्ड रीमार्केटिंग। और हम लोग यहाँ पे रीमार्केटिंग मतलब यहाँ पे न्यू ऑडियंस बना रहे हैं। तो यहाँ पे प्लस में क्लिक करेंगे और तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा, अभी जब क्लिक करते ही, वेबसाइट विजिटर्स, ऐप यूजर्स, यूट्यूब यूजर्स, कस्टम लिस्ट, गूगल एनालिटिक्स, ये कुछ ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, इसका मतलब क्या है, अभी तुम जो ऑडियंस बनाना चाहते हो, मैंने पहले ही बोला तुम लोगों को कि यहाँ पे जो ऑडियंस होगा वो कौन सा होगा, जिसने ऑलरेडी मेरा प्रोडक्ट या तो सर्विस के ऊपर इंटरेस्ट दिखाया है। तो जिसने तुम्हारा प्रोडक्ट या तो सर्विस के ऊपर इंटरेस्ट दिखाया है, कहाँ पे दिखाया है, तुम्हारा वेबसाइट पे कि तुम्हारा यूट्यूब चैनल पे कि ऐप पे, तुम्हारा कहाँ पे, किसी ना किसी सोर्स में दिखाना पड़ेगा ना। तो मोस्टली हम लोग अभी आज के आज आज को हमें यहाँ पे जो एग्जांपल के हिसाब से ले रहा हूँ वो कौन सा, वेबसाइट विजिटर्स। मतलब एज्यूम कर लो कि मेरा एक ऑलरेडी वेबसाइट है, मेरा क्या है, एक ऑलरेडी वेबसाइट है और उस वेबसाइट में यूजर्स आते रहते हैं, विजिट करते रहते हैं, ठीक है। और जो भी यूजर्स मेरा उस वेबसाइट को विजिट करते हैं, उन लोगों को मुझे अपना एड दिखाना है। तो यहाँ पे ऑडियंस बनाने के लिए पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरे पास एक वेबसाइट होना पड़ेगा पहले से ही, क्योंकि मैं ऑडियंस कहाँ से बनाऊंगा, उसी वेबसाइट का विजिटर से ही मुझे वो ऑडियंस बनाना है ना। हाँ, अगर तुम्हारे पास ऐप है, अभी यहाँ पे ऐप का डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी ऐप का यहाँ पे कोई डिस्कशन हुआ नहीं। तो अगर हो, समझ लो कि ऐप है, तो उसका भी यूजर्स को लेके भी तुम रीमार्केटिंग कर सकते हो। अगर तुम्हारा यूट्यूब चैनल यूजर्स है, यूट्यूब चैनल है, उसमें भी यूजर्स आ रहा है, तो उसका उसको भी लेके तुम रीमार्केटिंग कर सकते हो। लेकिन आज के क्लास में हम लोग एग्जाम्पल लेंगे किसका, वेबसाइट विजिटर्स का। समझ लो तुम्हारा वेबसाइट में विजिटर्स आ रहा है और उन्हीं को लेके तुमको ऑडियंस बनाना है। तो तुमको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करते ही तुम्हारे पास इस तरह से एक पेज ओपन होगा। अच्छा, यहाँ पे तुम जो नया ऑडियंस सेगमेंट बनाने जा रहे हो उसका एक नेम दे दो, ठीक है, ऑडियंस सेगमेंट नेम। तो मैंने यहाँ पे दे दिया माई वेबसाइट विजिटर्स, यू कैन गिव एनी नेम। जो नया ऑडियंस सेगमेंट हम लोग बना रहे हैं इसको मैंने एक नाम दे दिया माई वेबसाइट विजिटर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि सेगमेंट मेंबर्स, इस ऑडियंस सेगमेंट में मेंबर्स कौन होगा, यूजर्स कौन होगा, वो कौन कौन यूजर होगा जिसको तुम अपना एड दिखाना चाहते हो। तो डेफिनेटली विजिटर्स ऑफ वेब पेजेस, मैं एक नया सेगमेंट बना रहा हूँ उसका मैंने एक नाम दिया। अब इस सेगमेंट में कौन सा यूजर्स होगा, वो यूजर लिस्ट कौन सा होगा, जो यूजर्स मेरा वेबसाइट को विजिट करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है विजिटर्स ऑफ वेब पेजेस, जो भी विजिटर्स मेरा वेब पेज को विजिट करेगा वही मेरा ऑडियंस होगा। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस भी है, विजिटर्स ऑफ ए पेज विद स्पेसिफिक टैग्स, फिलहाल तुम इसको सिलेक्ट कर लेना, विजिटर्स ऑफ वेब पेज। तो यहाँ पे पहला बात क्या है, यू नीड टू हैव ए वेबसाइट, तुम्हारे पास पहले से वेबसाइट होना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अभी पहला
यहाँ पे एक्शंस में आ रहा है, इंक्लूड पीपल हु हैव टेकन द फॉलोइंग एक्शन। अच्छा, वेब पेज एक्शन में क्या है, जिसने पेज को विजिट किया, मतलब जिन यूजर्स ने तुम्हारा पेज को विजिट किया इन लास्ट 30 डेज में। क्लियर, जिन यूजर्स ने तुम्हारा पेज को विजिट किया इन लास्ट 30 डेज में, वो ही तुम्हारा ऑडियंस होगा और उन्हीं को तुमको अपना एड दिखाना है। जो तुम्हारा पेज को लास्ट 30 डेज में विजिट किया, उनको लेके एक ऑडियंस लिस्ट बनाना है। ये बनाएगा गूगल, बनाए ये बनाएगा, बस तुमको बोलना है उसको कैसे बनाना है ऑडियंस लिस्ट। अच्छा, तुमने तो बोल दिया विजिट्स ऑफ वेब पेजेस, विजिटर्स ऑफ वेब, तुमने बोल दिया कि तुम्हारा वेब पेज का जो विजिट, लेकिन कौन सा वेब पेज, वो कौन सा वेबसाइट जिसका तुम बात कर रहे हो अभी, कौन सा वेबसाइट का विजिटर्स को लेके ऑडियंस बनाया जाए। तो यहाँ पे आ जाओ रिफाइन एक्शन में। रिफाइन एक्शन में तुम अभी उस वेबसाइट का तुम यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर दो कि मेरा इस वेबसाइट का विजिटर्स को लेके एक ऑडियंस लिस्ट बनाना है, जो कि लास्ट 30 डेज में मेरा पेज को विजिट किया। समझ में आ रहा है बात? ओके, लास्ट 30 डेज एंड एज वेल एज द करेंट ऑडियंस ऑल्सो, जो नया नया विजिट कर रहे हैं उनको भी। तो हियर यू हैव टू मेंशन द क्या पेज URL, तुम्हारा पेज का यहाँ पे एड्रेस डाल दो। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया, समझ लो कि ये डाल दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना वेबसाइट का एड्रेस डाल दिया। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और भी आएगा, कंटेंस आ रहा है, इक्वल्स, स्टार्ट्स विद, एंड्स विद, डज नॉट, ये सब छोड़ दो फिलहाल। मतलब वो URL जो कंटेन करता है ये वाला एड्रेस, इसका मतलब यही है। ठीक है, वो URL जो कंटेन करता है ये वाला एड्रेस, और इस एड्रेस में जो भी विजिटर्स आता है था लास्ट 30 डेज में, उनको लेके क्या बनाओ, एक लिस्ट बनाओ, ऑडियंस लिस्ट बनाओ। कौन सा ये तुम्हारा वेबसाइट का एड्रेस तुमको डालना पड़ेगा यहाँ पे, तो तुमको मैन्युअली देना पड़ेगा यहाँ पे, टाइप करना है यहाँ पे। ठीक है, मैंने मैन्युअली टाइप किया ना अभी यहाँ। अच्छा, हो सकता है कि अच्छा तुम्हारा अच्छा इस अभी तो मैंने एक पेज दिया ना, विजिटर्स ऑफ वेब पेजेस, ये तो सिर्फ होम पेज का हो गया, क्योंकि तुम्हारा वेबसाइट तो बहुत सारा पेज हो सकता है। तुम चाहते हो कि बाकी पेज में भी अगर जो कोई विजिटर्स आ रहा है उसको भी लेके ऑडियंस बनाए, तो कौन सा पेज, वो तो तुमको डिसाइड करना है कौन सा पेज। तो तुम यहाँ पे आ जाओ एंड एड एक्शन और एंड, एंड मत देना और देना, ठीक है, एंड और यहाँ पे एक्सपांड दिस ऑडियंस सेगमेंट टू पीपल हु हैव टेकन इन द, मतलब बाकी, मतलब ये वाला को लेके तो ऑडियंस बनाओ, बनाना ही है। मैंने बोला कि साथ साथ और भी दूसरा पेज है, उसमें भी अगर कोई ऑडियंस आ रहा है उसको भी लेके, विजिटर्स आ रहा है उसको भी लेके क्या बनाओ, ऑडियंस बनाओ। तो मैंने यहाँ पे पेज URL सेम कंटेंट्स, अभी तुम इसी वेबसाइट का कोई दूसरा पेज का एड्रेस डाल दो, इसी वेबसाइट का जैसे मैंने दे दिया कोई दूसरा पेज का एड्रेस डाल दो। मैंने दे दिया से फॉर एग्जांपल कोर्सेस, मतलब ये और एक पेज है, इसी वेबसाइट का दूसरा एक पेज है उसका मैंने URL डाल दिया। बस समझ में आ रहा है? तो हो सकता है तुम्हारा बहुत सारा पेजेस का विजिटर्स को लेके तुमको क्या बनाना है, ऑडियंस बनाना है। तुम्हारा बहुत सारा पेजेस, एक ही वेबसाइट का बहुत सारा पेज और उन सभी पेजेस का विजिटर्स को लेके तुमको बनाना है ऑडियंस। तो तुम इस तरह से और भी ऐड करते जाओ, यहाँ पे ऑप्शन आएगा एड एक्शन। ठीक है, तो मैं जस्ट एग्जांपल के लिए दो ही यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये जो डे है 30 डेज, इसको तुम मॉडिफाई कर सकते हो, इन लास्ट 30 डेज, इन लास्ट 50 डेज, इन लास्ट 60 डेज, तुमको कितना डेज में चाहिए, इन लास्ट 90 डेज, ये भी ले सकते हो कि लास्ट 90 डेज में जिन जिन यूजर्स ने मेरा वेब पेज को विजिट किया, इस वेब पेज को विजिट किया, उनको लेके एक ऑडियंस बनाओ, लिस्ट बनाओ। लेकिन ज्यादा पुराना मत यूज करना यहाँ पे, क्यों मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे ज्यादा पुराना मत करना, मतलब 90 डेज 60 डेज तक ओके है, 90 डेज भी चलो सीखिए, लेकिन ज्यादा लेंदी मत करना, 30 डेज सब ओके, क्योंकि ज्यादा पुराना, अभी समझ लो मैंने आज के टाइम में एक वेबसाइट विजिट किया, समझ लो मुझे आज के टाइम में मैंने एक वेबसाइट विजिट किया, मुझे कुछ प्रोडक्ट खरीदना है जिसके लिए मैंने किसी एक वेबसाइट को विजिट किया था, और मैंने आज के टाइम में विजिट किया, समझ लो 2 महीने के बाद
कितना हो गया, आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने चला गया विजिट करना मेरा वेबसाइट, और आफ्टर 2 मंथ्स मैंने इन बिटवीन मैंने वो प्रोडक्ट खरीद भी लिया समझ लो, या तो मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 2 महीना हो चुका है ना, तो हम लोग तो जब सर्च करते हैं उसी फ्यू डेज में उसको हम लोग ले लेते हैं, है कि नहीं, कोई भी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो विद इन 1.5 वीक या तो 1 महीने के अंदर उसको हम लोग ले लेते हैं या तो नहीं लेते, डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन ज़्यादा पुराना कोई यूज़र से 90 डेज पहले कोई यूज़र तुम्हारा वेबसाइट में आया था, कुछ चीज़ सर्च किया था, और उसको अगर तुम अपना एड दिखाओगे आज 90 डेज के बाद फायदा होगा, क्योंकि वो तो 90 डेज पहले उसने सर्च किया था, तो ज़्यादा पुराना वाला यूज़र उसको लिस्ट में मत डालो, बात वही है। तो 30 डेज इज ओके, 30 डेज, 45 डेज ओके, तो इस तरह से रखना, ज़्यादा करोगे तो वो पुराना हो जाएगा, उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो इन दिस वे यू कैन एड मोर पेजेस। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा वेबसाइट का इस पेज में लास्ट 30 डेज में या तो करेंट डेट में जो भी विजिट कर रहा है उनको लेके ऑडियंस बनाओ, और इस पेज में भी जो विजिट कर रहा है उनको भी लेके ऑडियंस बनाओ। चाहे तो तुम और भी ऐड कर सकते हो, ऐड एक्शन ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। उसके बाद इस तरह से तुम ऐड करते जाओ। अच्छा, ऐड एक्सक्लूजन, एक्सक्लूड पीपल हु हैव टेकन द फॉलोइंग एक्शंस, मतलब क्या है कि यहाँ पे ये बोल रहा है, तुम किसी पर्टिकुलर, तुम्हारा ऐसा पेज है जिस पेज को यूज़र ने विजिट किया था, समझ लो कि तुम्हारा ऐसा कुछ प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट अभी फ़िलहाल नहीं है, ख़त्म हो गया है उस पेज में, ऐसा प्रोडक्ट का एक पेज है जो प्रोडक्ट अभी नहीं है, ख़त्म हो गया, या तो तुम उसका अभी डील नहीं करते हो, और उस पेज में कोई यूज़र आया था पहले, विजिट किया था, और उसको तुम्हारा फिलहाल अभी वो एड दिखाना नहीं, क्योंकि वो प्रोडक्ट तुम्हारे पास अभी है ही नहीं, उसको तुम अभी अभी राइट नाउ अभी उसको डील नहीं करते हो उस प्रोडक्ट का, लेकिन उस पेज में तुम्हारा कोई विजिटर्स आया था, तो तुम अभी यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हो उसको, कि तुम बोल दो कि मेरा इस पेज में, पर्टिकुलर पेज में जो भी यूजर्स आया था उसको एक्सक्लूड करना, ऑडियंस लिस्ट में उसको मत डालना। तो ये रेयर ऑप्शन है, चाहे तो इसको दो, नहीं तो नहीं दो, तुम्हारा मर्जी हो, ठीक है। मतलब जो तुमने ऑडियंस लिस्ट बनाया है उनमें से अगर किसी पर्टिकुलर यूजर, किसी को तुमको एक्सक्लूड भी करना है किसी क्राइटेरिया को, तो यहाँ से कर सकते हो, हालांकि इसका जरूरत नहीं पड़ता है एक्सक्लूड करने का, ठीक है। तो इसको भी फिलहाल छोड़ता हूँ, आगे चलते हैं। ये वाला ऑप्शन हो चुका है, सेगमेंट मेंबर मैंने बोल दिया, विजिटर्स ऑफ वेब पेजेस, ठीक है, और एक्शंस में मैंने डिफाइन कर दिया क्या एक्शन होगा। अभी चलते हैं प्री, इसको क्लोज करता हूं मैं, प्री फिल ऑप्शंस। अभी क्या बोल रहा है, तो बाय डिफॉल्ट में दो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे डिफॉल्ट में दो ऑप्शन आ रहा है, देखो, चूज बिटवीन द प्री फिल ऑप्शन, मतलब क्या, देखो प्री फिल अगर इसको सिलेक्ट करोगे, प्री फिल सेगमेंट को विथ पीपल हु मैच द रूल्स विद इन पास, अच्छा अगर ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो लास्ट 30 डेज तक जिसने तुम्हारा पेज को विजिट किया था उनको भी लेके ऑडियंस लिस्ट बनेगा, ठीक है, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इसको सिलेक्ट करोगे तो। और अगर इसको सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा, लास्ट 30 डेज में जिसने भी तुम्हारा, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ लास्ट 30 डेज का बात नहीं हो रहा है ना, करेंट यूजर का भी बात होगा, तो अगर सेकेंड ऑप्शन को चूज करोगे तो लास्ट 30 डेज में जिसने तुम्हारा विजिट किया था उसको ऑडियंस, उन यूजर्स को ऑडियंस सेगमेंट में लाया नहीं जाएगा, नया जो विजिट करेगा उनको लाया जाएगा ऑडियंस लिस्ट में। कब कब होगा, जब तुम इस ऑप्शन को चूज करोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट विथ एन एम्प्टी सेगमेंट, मतलब लास्ट 30, मैंने पहले बोल दिया लास्ट 30 डेज में, लेकिन अभी ये लास्ट 30 डेज में जो भी विजिट किया उसको तुम्हारा ऑडियंस लिस्ट में नहीं लाएगा, एक नया सेगमेंट शुरू बनाए आज के डेट से जो विजिट करेगा उसको लाएगा, ठीक है, क्लियर बात में क्या बोल रहा हूँ। तो इसीलिए इट्स अप टू यू, तो मोस्टली हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं प्री फिल, मतलब लास्ट 30 डेज या तो जो भी तुमने दिया है डेज, लास्ट 15 डेज, 30 डेज तक जिसने मेरा विजिट किया उनको ऑडियंस लिस्ट में लाओ, प्लस रनिंग में जो भी आएगा उनको भी मेरा ऑडियंस लिस्ट में लाओ, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर होगा, ये वाला प्री फिल, मतलब पहले से ही सेगमेंट फिलअप हो जाएगा, मैंने आज बना दिया तो मेरा 30 डेज लास्ट में जो भी आएगा वो भी आ जाएगा। अच्छा, डिस्क्रिप्शन एड करना ना करना जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है, इसको तुम ना भी तो भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये तुमने ऑडियंस सेगमेंट बना रहे हो इसके ऊपर कुछ लिखो, तुम किसके लिए बना रहे हो, कहाँ का बना रहे हो, ये ऑप्शनल है। This way you have to create your audience segment. हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे एक ऑडियंस सेगमेंट बना रहे हैं हम लोग, एक ऑडियंस लिस्ट बना रहे हैं, किसका ऑडियंस लिस्ट, जिन यूजर्स ने मेरा वेबसाइट को
विजिट किया था, एक पर्टिकुलर पेज को विजिट किया था, लास्ट 30 डेज में विजिट किया था, प्लस राइट टाइम में भी, करंट टाइम में जो विजिट करने वाला है, उन सभी को लेके मैं एक ऑडियंस लिस्ट बनाना चाहता हूँ। क्यों चाहता हूँ? ताकि इन्हीं ऑडियंस को मेरा एड दिखे, क्लियर। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रीमार्केटिंग। अच्छा, अभी तक तो मैंने ये क्राइटेरिया बोल दिया, मैंने यहाँ पे आके बोल दिया कि इन क्राइटेरिया को लेके एक ऑडियंस लिस्ट बनाया जाए, ठीक है, क्रिएट सेगमेंट कर दो यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे कर दिया क्रिएट सेगमेंट। तो ये इस क्रिएट, ये एक सेगमेंट बन चुका है, समझ में आया यहाँ तक? अच्छी, अभी काम खत्म नहीं, अभी शुरू हुआ है। हमने तो बस सेगमेंट बनाया है, ऑडियंस सेगमेंट का मतलब हमने क्या बनाया, एक रूल बनाया है, हमने गूगल को बोला ये रूल है, इन रूल को फॉलो करते हुए मेरा ऑडियंस बनाओ, ठीक है। अभी तुम्हारा वेबसाइट में विजिटर्स कौन आया, कौन नहीं आया, कौन सा यूजर्स आया, गूगल को पता कैसे लगा? गेटिंग योर टाइम सेइंग, तुमने तो बोल दिया कि इस वेबसाइट में जो भी लास्ट 30 डेज में यूजर्स विजिट करेगा मेरा इस वेबसाइट में, उन यूजर्स को लेके एक ऑडियंस बनाओ। गूगल को पता कैसे लगा तुम्हारा वेबसाइट में कौन विजिट कर रहा है? समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? गूगल को तो पता नहीं चलता है ना कि तुम्हारा वेबसाइट में कौन विजिट कर रहा है, तो गूगल को पता करवाना पड़ेगा, तब जाके वो ऑडियंस लिस्ट बना पाएगा। उसको ये अथॉरिटी देना पड़ेगा कि तुम्हारा वेबसाइट में जो भी आए विजिट करे उन यूजर्स का रिकॉर्ड, ताकि गूगल रख पाए तो तुम्हारा वेबसाइट में इस काम के लिए गूगल को तुमको एक अथॉरिटी देना पड़ेगा। अब इसके लिए तुमको क्या करना होगा, अभी देखो, अभी हम लोग जाएंगे यहां पे योर डेटा सोर्स, पहले इसको सिलेक्ट कर लो। हमने कौन सा बनाया सेगमेंट, ये वाला ना, माय वेबसाइट विजिटर्स बनाया था, ये वाला, इसको सिलेक्ट कर लो। और योर डेटा सोर्स मतलब मैंने रूल तो बोल दिया, अभी इस रूल में जो ऑडियंस आएगा, जो डाटा आएगा, मतलब वो कहाँ से आएगा, वेबसाइट से आएगा, तो वो उस वेबसाइट से इस लिस्ट में ऑडियंस, ताकि गूगल बना पाए ऑडियंस, तो मुझे ये डाटा सोर्स गूगल को बोलना पड़ेगा। अच्छा, मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर लो और यहाँ पे क्लिक करो, कहाँ पे, योर डाटा सोर्सेस, ठीक है। अच्छा, अभी क्या होगा यहाँ पे, अभी देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, गूगल एड्स टैग। अभी गूगल क्या करेगा, तुमको एक कोड देगा, गूगल क्या करेगा, हमें एक कोड देगा, हमको क्या करना है, उस कोड को लेके अपना वेबसाइट में उस कोड को डालना होगा। गूगल हमें एक कोड देगा, उस कोड को लेके मुझे अपना वेबसाइट में डालना होगा। तो जब मैं वो कोड लेके अपना वेबसाइट में डाल दूंगा, तो गूगल को ये अथॉरिटी मिल जाएगा, क्या मिलेगा कि गूगल को ये, मतलब जब भी कोई मेरा पेज को विजिट करेगा, गूगल को समझ पता चल जाएगा कि मेरा वेबसाइट को कोई विजिट कर रहा है, और उसका रिकॉर्ड गूगल इस लिस्ट में ला पाएगा। अभी जो हमने रूल बनाया है कि, ठीक है, माय वेबसाइट विजिटर्स का जो सेगमेंट, इस सेगमेंट में उस यूजर्स का रिकॉर्ड आ जाएगा। कब होगा, जब तुम गूगल को ये अथॉरिटी दोगे, मतलब गूगल को अथॉरिटी देने का मतलब क्या है, गूगल एक मुझे टैग देगा, उस टैग को एक कोड देगा, उस कोड को मुझे अपना वेबसाइट में पेस्ट करना है, ये काम करना पड़ेगा। अगर ये काम नहीं करोगे तो तुमने ऑडियंस सेगमेंट तो बना दिया, लेकिन ऑडियंस सेगमेंट में लिस्ट नहीं बनेगा, क्रिएट ही नहीं होगा वो। तो यहाँ पे आएंगे हम लोग योर डेटा सोर्स में, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे डिटेल्स में, यहाँ पे क्लिक करेंगे डिटेल्स में, फिर थोड़ा नीचे आएंगे हम लोग, टैग सेटअप वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे, टैग सेटअप में क्लिक करेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे तुमको तीन ऑप्शन दिया जा रहा है, इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन को चूज करते हुए तुम गूगल का कोड अपना वेबसाइट में डाल सकते हो। इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लो और करके तुम गूगल में तुमको जो कोड देगा वो कोड तुम अपना वेबसाइट में, अपना वेबसाइट मतलब उन पेजेस में डालना है जिन पेजेस में तुमने पहले मेंशन किया था, अभी उन पेजेस में ये कोड डालना होगा जिन पेजेस का यूजर्स को लेके गूगल ऑडियंस बनाएगा। अच्छा, वो कोड कहाँ मिलेगा, तीन में से कोई भी एक ऑप्शन ले लो, मैं समझ लो ये वाला लेता हूँ, पहला वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करो, इंस्टॉल द टैग योरसेल्फ, इस ऑप्शन पे क्लिक करो,
यहाँ पे क्लिक करते ही नीचे स्क्रॉल डाउन करो, ये देखो एक कोड मिलता है गूगल टैग नाम से, समझ में आ रहा है? कौन सा ऑप्शन में क्लिक करने से? ये वाला ऑप्शन में क्लिक करते ही नीचे आ जाओ, तुमको एक कोड मिलेगा। मैं बोल रहा है कॉपी द टैग बिलो एंड पेस्ट इट इन बिटवीन द हेड टैग्स ऑफ एवरी पेज ऑफ योर वेबसाइट। अभी एवरी पेज करो या तो जिन जिन पेज को तुमने मेंशन किया उनका कर दो। गूगल बोल रहा है कि अभी इस कोड को कॉपी करो और तुम्हारा वेबसाइट में जाके इस कोड को डाल दो, तब जाके गूगल को ये मिल जाएगा ऑथोरिटी, मतलब तब जाके गूगल क्या कर पाएगा, तुम्हारा वेबसाइट में कोई भी अगर विजिटर आता है तो इस कोड के मदद से गूगल वो कलेक्ट कर लेगा डाटा। गूगल उस डाटा को क्या कर लेगा? कलेक्ट कर लेगा। एक सेकंड, हेलो, थे हम लोग तो कहाँ पे थे? हम लोग यहाँ पे। तो हमको करना क्या है, ये जो कोड आपको मिला ये कोड हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे इस तरह से, ठीक है? इसको कॉपी करके क्या करना है, अभी हमको अपना वेबसाइट में जाना है। अभी तुम लोग को तो वेबसाइट का नॉलेज है ही है, फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ, समझ लो। अभी तुम अपना वेबसाइट में चले जाओ, अभी तुम अच्छा ये काम लेकिन ऑनलाइन वाला साइट में करना पड़ेगा, ऑफलाइन वाला साइट में नहीं, बात ध्यान रखना, ठीक है? तो वो ऑनलाइन वाला साइट पे तुमको ये काम करना पड़ेगा। जैसे हमारा एक था ना, मैं भूल गया, वो शायद उसने चेंज भी कर दिया होगा, मैं देखता हूँ एक बार। अभुला क्लास में नहीं आ रहा है ना, उसका डोमेन बना खरीद के वो पता ही नहीं है उसको उसको मॉडिफाई भी नहीं कर रहा है, समझ लो। मैं अपना इस ये हमने जो लास्ट टाइम परचेस किया था ना वेबसाइट, उसी में जा रहा हूँ, ठीक है? और उस वेबसाइट का मतलब समझ लो कि ये मेरा वेबसाइट है, एज्यूम कर लो। अभी इस वेबसाइट में मुझे वो कोड डालना है, कैसे डालना है मैं दिखाता हूँ, डायरेक्ट मैं लाइव साइट में दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, ये लाइव साइट है ना, तो यहाँ पे देख समझ में आ जाएगा तुमको। तो हमको कहाँ जाना है पता है तुम लोग को? यहाँ से डैशबोर्ड में जाना होगा, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड में जाना होगा, क्योंकि कोड डालने का काम हम लोग डैशबोर्ड से करेंगे, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग करेंगे इसको मैनेज, सेटिंग्स में चला जाएंगे। ये सब तो मैंने पहले दिखाया तुम लोग को, कैसे डैशबोर्ड एक्सेस करना है, कैसे सी पैनल एक्सेस करना है। अभी हम कहाँ जाना है, डैशबोर्ड में, नॉट सी पैनल। तो डैशबोर्ड में जाने के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा, सी पैनल जाना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ से ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो पहले जाएंगे सी पैनल एडमिन में जाएंगे और वहाँ से डैशबोर्ड को एक्सेस कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ से हम लोग डैशबोर्ड एक्सेस करने के लिए जाएंगे एप्लीकेशंस में, एप्लीकेशंस, ठीक है? कौन सा था? नहीं ये तो, हाँ यही था ना, नहीं नहीं ये नहीं था, माय एप्लीकेशन, यहाँ से तो नहीं आ रहा है, ये शायद डिलीट कर दिया क्या? क्या था? एन नहीं तो दूसरा साइड में दिखना पड़ेगा। और इस साइड तो है एप्लीकेशन, मैं तो डायरेक्ट लॉगिन करते हैं वहां से, यहां से भी कर सकते हैं हम लोग, लॉगिन लिख के, है कि नहीं? अलग अलग ऑप्शन है इसको एक्सेस करने का, लॉगिन लिख के इसको यहां से भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अभी सवाल ये है यूजर नेम पासवर्ड क्या था, शायद यही होगा, देखता हूँ मैं। ओ हमने वो लास्ट टाइम माइग्रेट किया था वेबसाइट ना, इसलिए यही होगा, ठीक है यही है। तो देखो अपना तुमको करना क्या है, अपना वर्डप्रेस साइट का, ये लाइव साइट का दिखा रहा हूँ मैं तुमको, अपना वर्डप्रेस साइट का डैशबोर्ड में जाना है। कौन सा साइट है? ये वाला साइट, मैं इसको इधर से ओपन कर लेता हूँ, ये साइट है, अभी ये लाइव साइट है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, समझ लो ये मेरा वेबसाइट है, मैं क्या कर रहा हूँ, इस वेबसाइट में जो भी विजिटर्स आएगा उसको लेके मुझे ऑडियंस लिस्ट बनाना है। तो मैंने वहां से तो कोड ले लिया गूगल से, ठीक है? अभी उस कोड को मुझे यहाँ पे इस वेबसाइट में क्या करना होगा, मेरे पेज वेबसाइट में डालना होगा। कैसे डालेंगे? इसका डैशबोर्ड में जाएंगे, ठीक है? डैशबोर्ड में आने के बाद तुम एक काम करो, एक प्लागिन ले लेना, नया प्लागिन मिलता है इसके लिए, एक न्यू प्लागिन करेंगे हम लोग,
एड, जैसे तुमने पहले भी प्लगइन इंस्टॉल किया है, एक प्लगइन ले लेना, प्लगइन हेडर्स एंड फुटर्स, इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स, ये प्लगइन सर्च कर लेना, ये आ जाएगा इस तरह से, इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स, ठीक है। ये भी एक है डब्ल्यू पी कोड, इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स कस्टम, जो भी हो इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, कोई भी, मैं ये वाला लेता हूँ, ठीक है। इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स, यहाँ पे आके इसको मैं करता हूँ इंस्टॉल। मतलब क्या है कि तुमको कोडिंग का झमेला नहीं करना है, प्लगइन से काम आसान से हो जाएगा। मतलब वो जो गूगल ने जो हमको कोड दिया है, टैग दिया है, उसको मैं इस प्लगइन की मदद से अपना हर वेबसाइट का पेज में डाल दूंगा, ठीक है। इसको मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ, ये कुछ नहीं, बस इस प्लगइन को इंस्टॉल करना है तुमको और एक्टिवेट करना है। हमको क्या बोला था गूगल ने वहां से, कि इस कोड को लेके जाओ, कॉपी द कोड एंड पेस्ट इट इन बिटवीन हैड टैग। अभी तुम कौन सा हैड टैग क्या ढूंढते रहोगे, जरूरत नहीं है, ये सब हैड का जरूरत नहीं है तुमको। तुम प्लगइन इंस्टॉल करो, प्लगइन ये काम कर देगा। तो प्लगइन मैंने इंस्टॉल कर दिया, कोड को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, अपना वेबसाइट का डैशबोर्ड में जाओ, प्लगइन को इंस्टॉल करो, इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स। अभी यहाँ पे आएगा ये प्लगइन, देखो तो कहाँ है ये प्लगइन, मैंने जो अभी इंस्टॉल किया है, इस पर एक बार रिलोड करता हूँ, डब्ल्यू पी कहाँ गया भाई, थीम सेटिंग्स में देखते हैं, ये सेटिंग्स में आने के बाद तुमको मिलेगा डब्ल्यू पी हेडर्स एंड फुटर्स। गो टू दिस प्लगइन, इस प्लगइन में जाओ, पहले इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लो, एक्टिवेट कर लो। अभी ये देखो स्क्रिप्ट इन हेडर, हेडर में तुमको क्या स्क्रिप्ट डालना है वो यहाँ पे पेस्ट कर दो, समझ में आ रहा है ना। तो वही कोड जो हमने वहां से लिया था, हमको कौन सा कोड डालना है, कौन सा स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट डालना है ना, तो ये इसकी कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके ये डाल देंगे आप, स्क्रिप्ट इन हेडर। होगा क्या, ये प्लगइन सभी पेजेस का हेडर में ये स्क्रिप्ट डाल देगा, ये प्लगइन कर देगा तुम्हारे लिए काम। तुमको अभी हेडर कहाँ पे, हेड कहाँ पे ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो करना क्या है, बस इसको इस तरह से पेस्ट, वही कोड जो मैं यहाँ से कॉपी किया था ना, ये जो कॉपी किया था यहाँ पे आके पेस्ट कर दो और सेव चेंजेस। अच्छा ये कोड, अच्छा तुम देखो एक बार, बिना अभी मैं सेव नहीं किया, बिना सेव किए अब एक बार देख लो, अपना पेज को व्यू पेज सोर्स करो, अपना वेबसाइट में जाओ, व्यू पेज सोर्स करो, और हेड में तुमको ये कोड मिलेगा कि देख लो। अभी ये मेरा हेड सेक्शन है ना, हेड में मेरा क्या लिखा है यहाँ पे देखता हूँ मैं एक बार, जैसे गूगल टैग, गूगल टैग लिखा है, एक बार सर्च करते हैं हम लोग यहीं पे, कहीं यहाँ पे कहीं पे गूगल टैग है, हम देखते हैं, ठीक है, गूगल टैग, देखो गूगल टैग कहीं पे है क्या, नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी एक बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ। मैं जब तुमको ये दिखा रहा हूँ कि ये टैग सेव हुआ कि नहीं, प्लगइन ने उसको मेरा हर पेजेस का हेड में डाला कि नहीं, तो मैंने अभी सेव कर दिया। अभी यहाँ पे आते हैं, आके फिर से एक बार सर्च करते हैं पेज को, एक बार रिलोड करेंगे, ये पुराना वाला पेज हो गया, अभी इसको क्लोज करके यहाँ पे फिर से एक बार पेज को रिलोड करेंगे, क्योंकि नया अपलोड हुआ है ना, करेंगे फिर से एक बार व्यू पेज, क्योंकि वो कोड तो पेज पे तो नहीं दिखेगा ना, वो तो बैकग्राउंड में रहेगा। तो व्यू पेज सोर्स करो और यहाँ पे आके तुम सर्च करो गूगल टैग एक बार फिर से, कंट्रोल एफ से मैं लगाता हूँ गूगल टैग, ठीक है। तो ये मैं सर्च करता हूँ, ये देखो गूगल टैग, वही टैग आ गया ना, वही टैग अभी गूगल ने दिया था हमको यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे इसको डाल दिया गया, किसने डाला, ये प्लगइन ने डाल दिया। तुमको अभी ढूंढने की जरूरत नहीं है कोडिंग में जाके कहाँ हेड है कहाँ वो है, प्लगइन तुम्हारे काम आसान कर देगा, हो गया बात। और ये हमने लाइव साइट में किया है, ये तो हमने लाइव साइट में करके देखा तुमको मैंने, ठीक है। तुमको भी अगर लाइव साइट, तो नॉर्मली तो लाइव साइट में ही करना पड़ेगा ना, ऑफलाइन साइट में तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये काम हो गया हमारा, इसका मतलब क्या, गूगल को वो अथॉरिटी दिया गया है। तो जब भी कोई अभी जब भी कोई विजिटर्स मेरा वेबसाइट में आएगा, क्या होगा उसका रिकॉर्ड, वो ऑडियंस सेगमेंट जो बनाया था ना मैंने, वहाँ पे वो एज ए लिस्ट वहाँ पे एंट्री होता रहेगा। क्लियर, हाँ इंस्टेंट ही नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है, वो इसमें थोड़ा टाइम लगता है।
अभी करना क्या हमको, ये जो हमने ऑडियंस लिस्ट बनाया है, कहाँ गया भाई, इतना पेज हो गया अभी, हमने जो अभी ऑडियंस बनाया है इस ऑडियंस को मुझे कैंपेन में यूज करना है। तो क्या करेंगे उसके लिए हम लोग, कैंपेन्स में जाएंगे हम लोग, ठीक है। कैंपेन्स में जाने के बाद तुम्हारा मल्टीपल कैंपेन हो सकता है, जैसे मेरा इस कैंपेन के लिए मुझे ये वाला ऑडियंस सेगमेंट यूज करना है, तो मैं ये वाला कैंपेन चूज कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगा ऑडियंसेस, इसमें क्लिक करेंगे, फिर ऑडियंसेस में क्लिक करते ही एक्सपांड करना है, मतलब इसको यहाँ पे और एक ऑप्शन मिलेगा ऑडियंसेस, मतलब ऑडियंस कीबोर्ड और कंटेंट में क्लिक करना, ऑडियंसेस में चले जाना, फिर यहाँ पे एडिट ऑडियंस सेगमेंट, मतलब इस कैंपेन के लिए मुझे ये वाला ऑडियंस सेगमेंट यूज करना है। अभी इसको एडिट करेंगे हम लोग, अभी तो बोला नहीं, हम बोलेंगे एडिट ऑडियंस सेगमेंट में क्लिक करने के बाद कैंपेन में क्लिक करेंगे, ठीक है। और दो ऑप्शन आ रहा है, एक टारगेटिंग, एक ऑब्जर्वेशन। टारगेटिंग का मतलब क्या है, नैरो द रीच ऑफ योर कैंपेन इन द सिलेक्टेड सेगमेंट। अच्छा, मतलब जो सेगमेंट में जो भी ऑडियंस आएगा सिर्फ उन्हीं को ही मेरा एड दिखेगा और किसी को एड दिखे नहीं दिखेगा, डेफिनेटली मेरा ऑडियंस क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। और अगर इसको सिलेक्ट करोगे तो उनको भी दिखाएगा और उनके साथ साथ रिलेटेड को भी मेरा एड दिखाएगा। तो तुम चाहते हो कि नहीं मुझे उसी को ही एड दिखाना है, तो ये नैरो वाला, ये एग्जैक्टली टारगेटिंग वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। अभी मैंने बोला नहीं कौन सा सेगमेंट, अभी बोलूंगा मैं। अभी कहाँ जाऊंगा मैं, ब्राउज में जाऊंगा, फिर यहाँ पे आके मैं बोलूंगा कि योर डाटा सेगमेंट, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कौन सा ऑडियंस, विजिटर्स, वेबसाइट विजिटर्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो ये आ गया, आया कि नहीं, हमने बनाया था ना ऑडियंस सेगमेंट, यही बनाया था ना, इसी ऑडियंस सेगमेंट को मुझे चूज करना है। तुम वो तुम्हारा मर्जी किसको, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो कैंपेन है इस कैंपेन को बस इसी ऑडियंस सेगमेंट में जो ऑडियंस होगा उनको ही दिखाया जाए, बस इसको सिलेक्ट करके सेव कर दो, दैट्स ऑल, काम हो गया। अब हो गया क्या, अब जब भी ये एड चलेगा वो जो ऑडियंस लिस्ट बनाया है, अभी सेगमेंट बनाया है, उन्हीं को ही मेरा ये वाला कैंपेन का एड दिखेगा। क्लियर, दिस इज अ काइंड ऑफ रीमार्केटिंग ऑल्सो। Done? That's all.